भारत केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। पुलिस अधीक्षक अश्विनी कुमार सिन्हा ने कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि जिले के कुछ थाना क्षेत्र में साइबर अपराधी सक्रिय हो गए थे, जिसको लेकर एक टीम गठित कर सारठ, पथरोल, मधुपुर, मार्गो मुंडा और जसेडी थाना क्षेत्र से 13 साइबर आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस ने 25 मोबाइल, 38 सिम कार्ड, 11 एटीएम कार्ड, 8 पासबुक, 2 चेकबुक, 1 लैपटॉप, 1 फिनो बैंक की स्वाइप मशीन, 5 बाइक, 1 चार पहिया वाहन और 18,500 नगद बरामद किए। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। ये सभी साइबर आरोपी आम जन को फर्जी बैंक पदाधिकारी बनकर एटीएम नंबर ओटीपी लेकर केवाईसी करने के नाम पर ओटीपी लेकर रिमोट एसएस ऐप इंस्टॉल करवाकर यूपीआई वॉलेट में सहायता के नाम पर ठगी करते हैं। देवघर से पप्पू कुमार यादव की रिपोर्ट। क्या क्या चीजें बरामद हुई है? साइबर क्रिमिनल्स के अगेंस्ट में देवघर पुलिस का लगातार और विशेष अभियान जारी है और इसी अभियान के अंतर्गत सारठ, पथरौल, मरगो मुंडा और जसीडी थाना क्षेत्र में छापामारी की गई है और इस छापामारी के दौरान 13 साइबर क्रिमिनल्स गिरफ्तार किए गए हैं। उनके पास से 25 मोबाइल, 38 सिम, 11 एटीएम, 8 पासबुक, 2 चेकबुक, 1 लैपटॉप, फिनो बैंक का स्वाइप मशीन, 1 मोटरसाइकिल, 5 नकद 18,500 रुपये और 1 शेवरले कार बरामद हुआ है। क्रिमिनल हिस्ट्री होगा? क्रिमिनल हिस्ट्री का अवलोकन करने पर संतोष कुमार दास दिसंबर 2017 में मधुपुर से साइबर क्राइम के मामले में जेल गए थे और वहां से बेल पर ये बेल आउट थे। वे अपने भाई संतोष कुमार दास और निरंजन कुमार दास, दोनों भाई साइबर क्राइम में लिप्त थे और इनके घर से ही शेवरले कार बरामद हुई है।